अनुज हुए इमोशनल, अनुपमा ने दिया अनुज को इमोशनल सपोर्ट। जी हाँ, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ तो जहाँ सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, गणेश जी का आगमन हो गया था आशा भवन में, अनुपमा बहुत खुश थी, आद्या बहुत खुश थी, अनुज भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तीनों ही अपनी खुशी मना रहे थे। वही अनुज सब कुछ पहले जैसा करना चाह रहे होते हैं और अनुपमा से बात भी करते हैं। मैं अपने काम पर वापस लौट रहा हूँ, जो मेरा है उसे लेने के लिए। अनुज की इन बातों से अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश नज़र होती है और उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि जाइए और करिए। जहाँ पर अनुज पहुँचते हैं अपने घर, अपने भाई के पास, वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनके भाई देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनके हाथों से ग्लास छूट जाता है कि अनुज आखिरकार जिंदा कैसे और उनके सामने क्यों खड़ा हो गया। वहाँ पर अनुज अपने भाई से पूछते नजर आते हैं कि क्यों भाई, इतने शॉक क्यों हो गए। जहाँ पर उनका रिएक्शन ऐसा देखकर अनुज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अनुज को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे भी इन लोगों का ही हाथ है। जहाँ पर अनुज बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आते हैं, अनुपमा को कॉल करते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि मैंने भाई के लिए इतना कुछ किया, अपने सगे भाई से ज़्यादा उनको प्यार किया, तो भी इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे मेरे साथ इतना बुरा किया। वहीं अनुपमा अनुज को समझाती नज़र आती है कि दूसरों का धोखा तो एक बार बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपनों का दिया धोखा उसे ना भूलना चाहिए और ना ही माफ़ करना चाहिए। आपका जो भी चीज़ खोया है उसे वापस तो लेना ही पड़ेगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं तो अनुपमा के आशा भवन को लेने आए कुछ लोग। जी हाँ, अनुपमा के आशा भवन पर अब किसी और का होगा कब्जा। जल्दी ही अनुपमा को वहाँ से निकालने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। वेल, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा कैसे बचाती है अपना आशा भवन और अनुज की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को। वेल, आप सभी का क्या है कहना ये पूरी अपडेट पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।